चाहता है कि मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर अनवरत बना रहे, तो एक ही उपाय है, और मेरा ही स्वरूप तेरे घर में तेरी माँ है। शायद भगवान ने माँ इसीलिए बनाई है कि भगवान को पता है, यद्यपि यत्र तत्र सर्वत्र भगवान विद्यमान है, लेकिन चलते फिरते रूप में भगवान ने चाहा कि मेरा ही एक प्रतिनिधित्व करने वाला कोई हो, तो भगवान ने अपना ही एक रूप बना दिया जिसका नाम माँ है। और संसार में दो ही रिश्ते हैं, एक ओम एक माँ, जो अकेला होते हुए भी परिपूर्ण है। आज उसी माँ के बर्दहस्त से परिवार वंचित हो गया है। एक भाव मैं गाया करता हूँ, खास करके जय कथा हो, भागवत हो, रामायण हो, या ऐसी सभाएं हो, तो माँ के बारे में किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि माँ क्या है। बोले मामा ठंडिया छामा, छामा कौन करे, मामा दे हर जाने लोग को कौन, पुत कपुत बने सुबारी, माँ रहती माँ बन के, जितने वाले सारे पुत्र हरण वाली कले, पुत मेरी तो ततिया बामा रहन करे, माँ माठनिया छावा छावा कौन करे। तो एक माँ ही हमारे संसार में कैसा रिश्ता है कि जो हम चाहे जितना मर्जी दुख माता पिता को दे दे, चाहे जितना मर्जी उनको हम अपने जीवन से किनारा उनका कर दें, लेकिन वो दुआओं को देने से कभी नहीं हटती है। इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव कहा कि माँ किसे दीना मरे तो
सदके डावा मावा ठंडिया छावा मावा ठंडिया छावा माहर जीवित जीवन दाता सबनु पालन वाली माता सबनु पालन वाली माता सबनु पालन वाली माता काले को जी डूबी आखे काले को जी डूबी आखे सीने दे नड़लावा मावा ठंडिया छावा मावा ठंडिया छावा आखन तत्ती हवा न लगे इसी प्रार्थना के साथ आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय इस दुख की घड़ी में शुद्ध परिवार के निमित्त निकाला है। इस शुद्ध परिवार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही सत्कारी हो से भराओ आदर वा सत्कार सहित फतेह अर्जी करदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी का पवित्र फरमान है जिहा कीरी लिखिया तिहा हुकम कमाए कले आवे नानका सदे उठ जाए और मरण लिखाए मंडल में आए। भगवान जदों प्राणी नूं इस फानी संसार ते भेज दिया वी श्वासां रूपी पूंजी आंते जल पहला लिखा जाता अपने जो कोई पूज करजे तो सह सुहाई मूहों निकल जाता भी दाणा पानी पूरा हो गया घटाने वास्ते वड्डी गिणती जी हाजरी भरी मैं दोनों हाथ जोड़ के तुहाडा दिल दीआं गहराईआं जो बहुत बहुत धन्यवाद करदा भगवान के चरणां च अरदास बेनती करदा प्रभु कृपा करन माता जी की आत्मा सदीवी कर ली अपने चरणों के निवास बख्शन सानू सारिआं नूं भाणा मन्नण दा वर बख्शन बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। घाट है बुलारे होर भी ने पर सारे को माफी चले कुछ शौकस ने आए जी श्री नव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट रजिस्टर श्री ज्ञान स्तंभ मंदिर सभा रजिस्टर श्री खाटू धाम जी और मॉर्निंग बड़ी खन्ना तो शौकस ने आए ने जिन्होंने शौक भेजा उन्होंने का धन्यवाद जी और सारे ने लंगर जा छक के जान की कृपालता कर दी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी ओनमेव वसिष्ठे सर्वेव वन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भार भवेत्। अब आप सभी लोग में आरती बोलिए तो पंडित जी ने संपर्क कराओ। यथाशक्ति परमान में विद्युत कोष समान है मंत्र जो शक्ति में ऐसा रखिए ध्यान कपूर है कृपा जो वारी करती दुर्गम दूर बटन दबाने से यथा भाती बिजली धार नाम जाप परमान से क्यों अवतार
जल जो बहता बार बहा जप से कृपा पाप ताप सब भावे मन से राम नाम जो चारे
उसके भागे जिसमें बस जय राम सुनाम चित में राम राम जो सिमरे सागर से करे राम सिमरन हो विसहाए राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरि नाम मात पिता बांधव सुखदारा अंत काल दे सकन सहारा राम नाम तेरा तारन हारा सिमरन राम नाम है संगी सका स्नेह सुन शुभ अंगी युग युग का है राम सहेरा निर्जन मन विपद हो घोर जो जब राम राम की जय राम नाम जब ये सुखदाता मन जब देर को नहीं पावे राम नाम जब चिंता चोर शोक सगर हो मरा आता भजिए राम राम बो भार करता बेड़ा पार घड़ी घड़ी कठिन तर काल राम राम जपिए प्रतिपाल घटना घोर घटित सवेर जपिए राम राम बिन देर राम नाम हो सदा सहायक राम राम प्रभु राम कितेक शांति आचरण पूंजे पुरुष पावन प्रभु सदा संगी साथ जग तप ध्यान योग ही प्यार राम नाम बिन नीरस होत राम राम सब संयम सागर राम राम सुख राम राम जाप कई ऊंचे करणी राम राम महामंत्र जपना राम जाप है सरल समाधि हर सब आदि व्याधि उपाधि राम राम चिंतन सुविचार राम राम श्री राम ज्ञाना अतुल प्रभाव दीप प्रताप राम राम कर धारक बीज अक्षर पद पद्म प्रकाशे राम राम जप दोष विनाशे कुंडल निबोधे सुषमण खोले राम मंत्र अमृत रस घोले उपजे नाच सहज बहु भाग राम राम पद शक्ति जगावे टूटे भारी राम पकीत पावन परम पार राम राम जप यार सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग का समझे सार राम नाम सब ही सुख का राम नाम की मौत बढ़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यज्ञ सत साधु संत सयाने राम नाम विष दिन काढ़े तापस योगी सिद्धिर शिवर भजते भक्त भाव भर भोर राम राम संसार समाते देव देव गण देव विधाता राम राम सुगुणी जन गाते कीर्तन गत करते विद्वान मोहक मंत्र यति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान विद्या मन कल्पित मत जाल विद्या मन मुखिया मनुराज विद्या विवाद विवाद विरोध विद्या द्रोहत गुण जप ध्यान राम राम जप संत सत्य मूलक है रचना
क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवान ने बड़ी सुंदर वाक्य लिखा, बोले जब जीव जन्मांत जन्मांतरों के पुण्य जीव के उदय होते हैं तब जीव आत्मा को इस मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। इसलिए बोली हीरा जैसा जन्म पाया है इसको व्यर्थ की बातों में न जीव गंवा दे। भगवान ने कहा है और वही बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जही परलोक समाया। जब जीव आत्मा के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब उसे ये मनुष्य छोला मिलता है। किस लिए? आहार निद्रा भय में तो नजर खाने पीने के लिए नहीं, काम क्रोध आदि के लिए नहीं। वो तो बोले जब हम पशु थे वो सब हमने तब भी किया था, तब भी सुख और दुख को भोगा था। बोले सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य चोला मिला है कि हम परमात्मा का ऐसा स्मरण करें, परमात्मा की ऐसी भक्ति करें, ऐसा नाम जपें कि भव सागर से पार हो जाए, दोबारा इस संसार में न जीव आए। पर परमात्मा का स्मरण करें ये सब तभी संभव है, ऐसे बिल्कुल संभव नहीं है। आज दुख इस बात का है कि शुद्ध परिवार के जो बड़े थे किसी के लिए आज एक भाभी का रिश्ता वो स्थान रिक्त हो गया, किसी लिए माँ का स्थान रिक्त हो गया, किसी के लिए चाची ताई का स्थान रिक्त हो गया। और शास्त्रकार कहते हैं कि एक बार परमात्मा रूपी आत्मा से देह को छोड़ करके चली जाती है ना, तो संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं कि उसको दोबारा उठा करके कह दे कि तुम फिर रिश्तों को निभाओ। तो विशेष करके माँ का जो बर्दाश्त होता है, कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय की अपनी सीमा है। हम आप सब लोग नित्य ही ऐसे सभाओं में जाते हैं। आज दुख इस बात का है कि परिवार के लिए के माँ का बर्दहस्त जो था, बड़ी माँ का, कहीं न कहीं उस बर्दहस्त से वंचित हो। और शास्त्रकार कहते भैया मातृदेवो भव, हमारे जीवन में अगर कोई पूजनीय सबसे पहले है तो हमारी माँ है, जिसके ऊपर माँ की कृपा बनी रहती है, जिसके ऊपर पिता का आशीर्वाद बना रहता है, वो जीव कभी जीवन में दुख नहीं पाता है, हमेशा फलता और फूलता ही रहता है। तो आज विशेष करके उस माँ के बर्दहस्त से परिवार वंचित हो गया। माँ क्या है? कहते किसी भक्त ने भगवान की भक्ति की, भगवान प्रकट हो गए, पूछा बरम बुरिया बर मांगो क्या चाहिए तुम्हें। भक्त ने कहा भगवान मैं चाहता हूं कि तुम हर पल मेरे सन्मुख रहा करो, मैं आपका भोजन किया करो। भगवान ने कहा अगर तू वास्तव में मेरा भोजन करना चाहता है ना, अगर तू वास्तव में चाहता है कि मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर अनवरत बना रहे तो एक ही उपाय है और मेरा ही स्वरूप तेरे घर में तेरी माँ है। शायद भगवान ने माँ इसीलिए बनाई है कि भगवान को पता है यद्यपि यत्र तत्र सर्वत्र भगवान विद्यमान है लेकिन चलते फिरते रूप में भगवान ने चाहा कि मेरा ही एक प्रतिनिधित्व करने वाला कोई हो, तो भगवान ने अपना ही एक रूप बना दिया जिसका नाम माँ है।
और संसार में दो ही रिश्ते, एक ओम एक माँ, जो अकेला होते हुए भी परिपूर्ण है। आज उसी माँ के बरहस्त से परिवार वंचित हो गया। एक भाव मैं गाया करता हूँ, खास करके चाहे कथा हो, भागवत हो, रामायण हो या ऐसी सवाएं हो, तो माँ के बारे में किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि माँ क्या है। बोले मामा चलिया छामा, छामा कौन करे, मामा दे हर जाने लोग को कौन, पुत कपुत बने सुवारी, माँ रे दे माँ बनके, जितन वाले सारे पुत्र हरण वाले कले, पुत मेरे तो ततिया बामा रहन परे, मामा ठंडिया छामा, छामा कौन करे। तो एक माँ ही हमारे संसार में कैसा रिश्ता है कि जो हम चाहे जितना मर्जी दुख माता पिता को दे दें, चाहे जितना मर्जी उनको हम अपने जीवन से किनारा उनका कर दें, लेकिन वो दुआओं को देने से कभी नहीं हटती हैं। इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव कहा कि माँ किसे दीना मरे दुख बड़ा जे पारा, कि मोइया रेण जिना दिया मावा, मोइया रेण जिना दिया मावा, वो लब दे फिरन सहारा, लब दे फिरन सहारा। क्यों? पुलिस लिए कि मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा, आखन तत्ती हवा न लगे, सदके जावा, मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा, मां हर जीवित जीवन दाता, सबनु पालन वाली माता, सबनु पालन वाली माता, सबनु पालन वाली माता, काले तो जे डूबी आंखे, ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा, सदा भला बचिया दा चावे, दुख सह के भी सुख पहुंचावे, दुख सह के भी सुख पहुंचावे, दुख सह के भी सुख पहुंचावे, बिगड़े पैदे मूरख नो भी, बिगड़े पैदे मूरख नो भी, दस दी सिद्धिया रामा, मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा, है मावा ठंडिया छावा, माँ दी सेवा रब दी पूजा, माँ ही रब दा नाम है दूजा, माँ ही रब दा नाम है दूजा, माँ ही रब दा नाम है दूजा, माँ दा प्यार तू छंड के पगले, आखन तत्ती हवा न लगे, आखन तत्ती हवा न लगे, नानक सदके मावा ठंडिया छावा, मावा माले दर्शन धीरज सारे, गंगा यमुना सरस्वती, मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा, मांगा ही तो इला
अमूल्य समय इस दुख की घड़ी में शुद्ध परिवार के निमित्त निकाला है। इस शुद्ध परिवार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और परिवार के हार्दिक धन्यवाद कर दीजिए। सदा संजीव सिंह धन्यवाद। भैनों से भराओ आदर व सत्कार सहित फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी का पवित्र फरमान है जिहा कीरी लिखिया तिहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सदे उठ जाए और मरण लिखाए मंडल में आए। भगवान जो प्राणी में इस फानी संसार से भेज दिया भी श्वासों रूपी पूंजी अंत जल पहला लिखा जाता अपने जो कोई पूज करते तो सह सुई मूह निकल जाता भी दाना पानी पूरा हो गया श्वास पूरे हो गए। तरक्की के युग दिया खबर पढ़ते हैं तो कई बार आम सोच हों बड़ी लामसाल तरक्की की है डॉक्टर ने साइंस ने पर मौत के विषय से आ गए लामसाल तरक्की जी साइंस या डॉक्टरी की है वह माइनस जीरो हो जाती है। सत्कारयोग माता शरीरी काल लिए भी छोड़ा दे के गुरु साहब के चरणा से जापरा जी बहुत बड़ा दुख कह भी है तो सह भी है। माँ बाप की उम्र के कदे साल गिनती नहीं किए जाते घर के ये कह दें कोई बहुत वडेरी उम्र के बजुर्ग चले जाए कोई सौ साल तो उत्ते उम्र के बजुर्ग चले जाए तभी एक खिलाफ पैदा तो महसूस होंगे कि बहुत वाला ओट के आसरा चलिया गया। माता जी मैं सूर साहब मेरे वे भरा ने तो मैं पूछया ताई जी है सूर साहब 81 ईयर 81 साल की उम्र माता गई है दुख तो अफसोस है। माँ का घर के चलना संपूर्ण कहोंगा कि लभदा घर के उत्ते चलिया जाना दुख तो अफसोस जरूर है पर जो समाज कट्ठा होंगे ना तो समाज कट्ठे होने का मनोरथ तो मकसद होंगे कि असी अपने विरसे के धारनी है जो खास करके बजुर्गों का श्रद्धांजलि समारोह होंगे ना तो रिश्तेदार से समाज कट्ठा होंगे माँ के जान का दुख जरूर है पर मन के सुकून इस गल का कि परिवार ने क्योंकि मेरा मैं भी इस परिवार का मैंबर हाँ परिवार ने माँ की रब जान के सेवा की अजोके दौर से निगाह मार के देखते हैं तो बड़े भयानक समय देखने मिलते हैं भयानक गल् सुन मिलती सुन के इं लगता भी ये असं कि पासे तुर पे शर्मना नीवी पानी पैंती है जिथे बजुर्गों का पुत्र के धिया रिस्पैक्ट करना तो अलग गल रह गई ना सेवा करनी तो अलग दूर की गल रह गई तो निरादर करते हुए नजर आ फिर साडा विरसा नहीं है। बिरध आश्रम वाले सत्कारयोग वीर कई बार किसी प्रोग्राम से हुक्म करके जाते हैं कोई ना कोई समागम करते हैं तो बिरध आश्रम जाने का मौका मिलता मैं बिरध आश्रम जाना तो किसी बिरध माता के कोल बैठ जाना माता को पूछता माता तुसी बिरध आश्रम च आए हो घर के पुत्र हैगा तो माँ की अखा नम हों ने चुनी ने अखा साफ करके पले ना कहती बेटा घर के पुत्र ही है पोतरे भी है पर पुत्रा तो पोतरिया का सुख नसीब नहीं है ये साड़ी विरासत नहीं हैगी साढ़े को विरासत पूरी दुनिया के
ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਣ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਬਾਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਬਾਪ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਬਾਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਦੋਸਤੋ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਕ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਈ ਚਲੋ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀ ਚਲੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚਲੋ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਚੜ੍ਹਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੰਗਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਓ 10 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸੋਹਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਹੈ ਐਸਾ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਰ ਬਖਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ੋਕਸ ਨੇ ਆਏ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਧਾਮ ਜੀ ਔਰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਬੜੀ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕਸ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਗਾਣੇ ਬੋਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ